प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर गोरखपुर से है जहां सीएम योगी ने गोरखपुर दौरा कर करोड़ों रुपए की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं सीएम ने नवनिर्मित स्टेडियम प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया, दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण बांटे। साथ ही हर गाँव में युवाओं के लिए खेल के मैदान, स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिजिटलीकरण को मजबूत करने पर जोर दिया। सीएम योगी ने बताया कि जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। खबर रामपुर से है जहां सपा के विधायक आजम खान और अब्दुल्ला खान ने अपने गनर वापस करते हुए कहा कि हमें रामपुर पुलिस पर भरोसा नहीं है। वहीं सभी गनर के वापसी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह उनका निजी फैसला है, अगर आगे उन्हें गनर की जरूरत पड़ती है तो रामपुर पुलिस हर संभव मदद करने को तैयार है। माननीय विधायक आजम खान साहब के पास तीन गनर थे, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। तीनों गनर ने आकर पुलिस लाइन में बताया कि 23 तारीख को वे दिल्ली में थे और गंगाराम हॉस्पिटल में मोहम्मद आजम खान साहब की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्हें वहां से कहा गया कि तुम लोग वापस रामपुर चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो तीनों गनर वापस आ गए हैं, उन्हें पुलिस में आज हम लोगों ने वापस कर लिया है। खबर श्रावस्ती से है जहां सीएम योगी ने सीताद्वार मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किया। वहीं 150 हेक्टेयर भूमि पर एक्वेरियम, वाटर पार्क, वोटर क्लब का निर्माण कर पर्यटकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बुद्ध तपोस्थली पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। प्रशासन के दिशा निर्देश के बाद डीएम ने नेहा प्रकाश ने सीएम के प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने जनपद श्रावस्ती में जल संचयन, जल संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सीताद्वार का जो झील और मंदिर का परिसर है, करीब 150 हेक्टेयर की झील है जो पूरी तरह जलकुंभी से कवर्ड थी। तो पिछले साल यहाँ पर कार्तिक के महीने में कजरी तीज का मेला भी हुआ था और इसलिए फिर हमने तभी ये सोचा था कि इस पूरी झील को हम साफ करें और हमने ये अभियान चलाया। इसमें हम जनता ने बहुत हमारा साथ दिया। अगर यहाँ पर्यटन स्थल बन रहा है तो सबके लिए, जनता के लिए और बाहरी के लिए, सबके लिए अच्छा हो रहा है। हमारे ग्राम सीताद्वार में आज के 10 साल पहले तक यहाँ तक सफाई नहीं हुआ था, लेकिन आम जनता अधिकारी के वजह से ये सब सफाई हो गया, उससे बहुत अच्छा हो रहा है। हम यहाँ के नाव चालक हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं अभी तक कोई नहीं आ रहा है, लेकिन शायद नवरात्र तक स्थल पर आना चालू होंगे और बड़े बड़े लोग आते हैं और घूमते हैं। हमारे सहयोग सरकार बहुत बढ़िया सुविधा हमारे सीताद्वार के लिए दे रखा है और देने के लिए हम सहायता चाहते हैं कि अगर ऐसे ही लोग इस डैम और डैम जो भी हैं अधिकारी अगर हमारी साथ देते रहेंगे तो ये सीताद्वार और झील एकदम सुंदरी स्थल बन जाएगा। बस हम यही चाहते हैं सर। आने वाला भविष्य यही है जो यहाँ का पौराणिक इतिहास त्रेता युग का जो कथा है, यहाँ पे माता सीता के ऊपर जब धोबी का लक्षण लगा था अयोध्या में, उस लक्षण के द्वारा राजा रामचंद्र जी ने प्रत्याग किया सीता जी को। फिर लक्ष्मण जी को आदेश दिए कि ले जाकर सीता जी को वन में छोड़ आइए। खबर अमेठी से है जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में कमर्शियल उड़ान के लिए एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण की मंजूरी दी है। वहीं नगर विमानन मंत्रालय और राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने इस संबंध में भूखंड का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। बुलंदशहर के सलेमपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किसानों की कई समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि गांव के रास्ते पर जलभराव समस्या का निदान किया जाए। साथ ही कहा कि पशुओं में लंपी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं गांव में लंपी बीमारी का टीकाकरण उपलब्ध कराने की एसडीएम से मांग भी की है, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि अधिक बारिश से भारी फसलों में नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाया जाए।
एक कुछ समस्या अपनी वैसी है गांव-गांव की अलग अलग, जैसे ये हमारा बांसवटी दरगाहपुर है, सलेमपुर है, कई गांव ऐसे हैं जहां एक कानून आया है गांव में टंकी लगाने का, गांव गांव टंकी लगेंगी और उन टंकियों में ठेकेदार उस रास्ते को चाहे सीसी है चाहे टाइल्स लगी हुई है खोद के डाल जाते हैं, परंतु उन्हें देखने वाला फिर कोई नहीं है। दरगाहपुर बांसवटी में 4 महीने पहले वो खुदी पड़ी है, उसमें आए दिन सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते समय उनकी ड्रेस खराब होती है, कई मवेशियों के पैर भी टूट गए हैं, उसकी कोई कहीं देख रेख प्रशासन की तरफ से नहीं आश्वासन मिला है। हमने जो ज्ञापन में अपनी मांगे लिखी है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम इस पे कार्रवाई करके और जल्दी से जल्दी इसका समाधान करने की। वर्षा हुई है इससे किसानों का बहुत भारी नुकसान है, इसकी जांच कराकर किसानों की भरपाई की जाए। जब तक ये जो हमारी ये बिजली विभाग और ये अपने बकायेदार पे उगाई न करें और हमारी कुछ लावारिश पशुओं में डंपिंग लंपिंग बीमारी चल रही है जी, वहाँ आए दिन रोजाना मौत हो रही है, यहाँ कोई सुविधा चिकित्सा की नहीं। तो भी SDM साहब को आपने ज्ञापन दिया है, उधर से क्या आश्वासन मिला? उधर से आश्वासन मिला है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। खबर अयोध्या से है जहां फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने रामलला और हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया। वहीं अभिनेत्री ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य कि मुझे बार बार अयोध्या आने का अवसर मिलता है। उन्होंने माता सीता शबरी के किरदार पर बताया कि दोनों ही किरदार आस्था से जुड़े हुए हैं। खबर देवरिया से है जहां नगर पंचायत चुनाव के चलते वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी सुनील मणि त्रिपाठी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले 5 वर्षों में विकास के नाम पर लोगों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी लोग धर्म जाति को भूलकर क्षेत्र की समस्या पर वोट दें, साथ ही नगर पंचायत चुनाव को लेकर पूरे जनपद में चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। नाली है, न सड़क है, न लाइट है, हर जगह जल जमा हुआ है, यही हमारे वार्ड के बारे में मुद्दा है। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मुद्दा यही है कि मेरे वार्ड में जितने भी सड़कें हैं, नाली हैं, गड्ढे हैं, सबको पहले उन सब चीज़ों को दूर करना है, उसके बाद मेरे वार्ड में जितने गरीब भाई बहन जो भी माता बहन हैं उन लोगों के लिए हर समय हर वक्त हमारे लायक जो भी सेवा संभव होगा मैं उन लोगों के लिए। खबर गाजीपुर से है जहां पुलिस ने 10 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गौ तस्करों के ठिकाने पर छापा मारकर 20 क्विंटल गौ मांस, एक पिकअप गाड़ी और 13 बाइक बरामद की। पुलिस ने तस्करों को सदर कोतवाली क्षेत्र के खुदाईपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से औजार भी बरामद किए। पुलिस गिरफ्तार गौ तस्कर गैंग के साथियों की तलाश में जुट गई। वहीं पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र प्रताप विहार में छत के छज्जा गिर जाने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि मकान की हालत काफी जर्जर बनी हुई थी और लगातार हो रही बारिश से मकान में नमी के कारण हादसा हुआ। वहीं बच्चे की मां का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिसके कारण मकान की मरम्मत कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। बच्चे के बड़े भाई का कहना है रात में अचानक जोर से आवाज आई और मकान का छज्जा भरभरा कर बच्चे के ऊपर गिर गया। वहीं नगर पालिका पर सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसे मकानों को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? 6 साल से इस घर में लाइट पानी दोनों नहीं है और लाइट पानी कटवाने मेरे सास और वो सास ससुर और देवर कटवा के यहाँ से जाके किराए के मकान पे रह रहे हैं। आज जो मेरे बेटे की मौत हुई है ना, मेरा देवर, मेरे सास ससुर और मेरा आदमी है जिम्मेदार। 2 महीने से छोड़ के गए थे, मेरे बच्चे भूख के मारे बिलक गए थे कि क्या खाएंगे क्या नहीं। उल्टा वो मुझ पे दोषी लगा रहे हैं कि मैं बच्चे के मरने की जिम्मेदार हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि बारिश की वजह से ये मकान ये छज्जा गिर जाएगा। जब लेंटर गिर गया था तब आई थी मैं, बच्चा दबा हुआ था उसके अंदर और दबा हुआ ही निकाला, हमने ही निकाला था। घर की तो दिख रही है एकदम जर्जर हो रखा है सीलन से और उससे, और ना घर में पानी है ना लाइट है। 5-6 साल हो गए इनको ऐसे ही टाइम वक्त बिताते बिताते, ना खाने को ना पीने को, मतलब बहुत ही गरीब हालत स्थिति हो रखी है इनकी।
कानपुर के चर्चित आंचल खरबंदा हत्याकांड के बाद उनके पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं एक प्रेस वार्ता के दौरान आंचल खरबंदा के परिजनों ने बताया कि एफआईआर में 8 लोगों के नाम दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने केवल 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया और बाकी के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें कि 19 नवम्बर 2021 में यह हत्याकांड हुआ था। 6 महीने बीत चुके हैं, पुलिस ने ना बचे आरोपियों को गिरफ्तार करे और ना ही कोई कार्यवाही कर रही है। सर, मेरी बेटी का 19 नवंबर 2021 को उसकी दहेज हत्या कर दी थी उसके परिवार ससुराल वालों ने और जो निकट के रिश्तेदार थे। तो एफआईआर में 8 लोग नामजद थे, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 5 लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। 10 महीने बीत जाने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। उसमें कानपुर के जो मशहूर बिजनेसमैन है तेजूमल स्टोर आर्यानगर, उनके सुपुत्र हैं पुनीत कोटवानी, उनकी पत्नी है निकिता कोटवानी, भरत ग्रोवर की पत्नी है मीनाक्षी ग्रोवर, उनकी बेटी और उसकी जो बुआ है अनु खुल्लर, इनकी गिरफ्तारी पुलिस ने आज तक नहीं की। और पुलिस को जब हमने कहा कि सर ये लोग नामजद है एफआईआर में संगीन धाराओं में, तो इनको आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, तो पुलिस ने हमसे कहा कि जो आपकी मृतक बेटी जो लेटर लिख के गई है जिसमें इनके सबके नाम है, जब तक उसकी फोरेंसिक की जाँच नहीं आ जाएगी तब तक इनको हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। खबर अलीगढ़ से है, जहां टोल प्लाजा की फीस वृद्धि को कम करने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि 10 किलोमीटर तक सभी लोकल वाहनों की फीस को निशुल्क किया जाए। वहीं उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया। टोल प्लाजा पर लोकल गाड़ियों को रोका जा रहा है, जो यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ हैं जो पहले से निकल रही हैं उनके अब ये फास्टैग बनाने की बोल रहे हैं, तो फास्टैग कौन बनवाएगा? पहले ये फास्टैग का शुल्क 315 रुपये लेते थे वहाँ से, अब ये फास्टैग उन्होंने पहले 5800 किया फिर 2500 कर दिया है, तो किसान आदमी है गरीब आदमी कैसे देगा इतना शुल्क? इस संबंध में ही प्रदर्शन किया गया है। आगामी अगर उन्होंने जो पुरानी नीति है, पहले जो ऐसे लोकल गाड़ियाँ चल रही थी यहाँ पे वो आराम से कोई दिक्कत नहीं आ रही थी यहाँ पर लोकल गाड़ियों के लिए, अब ये हर पर डे दिन ब दिन दिक्कत दे रहे हैं लोकल गाड़ियों को निकालने के लिए। आगामी अगर इन्होंने पुराना विस्तार पे ही गाड़ियां नहीं निकाली तो आगे भी जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा और दोबारा धरना दिया जाएगा। अलीगढ़ में नवरात्रि पर अवैध मीट की दुकानों पर रोक की मांग को लेकर धर्म समाज महाविद्यालय के छात्रों ने डीएम से मांग की है। नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद किए जाने की छात्रों ने मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। वहीं इस त्यौहार के मौके पर छात्रों का कहना है कि नवरात्रि त्यौहार पर अवैध बूचड़खाने बंद रखनी चाहिए। छात्रों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो छात्र सड़क पर उतर कर बूचड़खाना को बंद कराने की मांग करेंगे। डीएस कॉलेज के छात्रों ने 24 घंटे में अवैध बूचड़खाने को बंद किए जाने की मांग को लेकर चेतावनी भी दी है। आज धर्म समाज महाविद्यालय के तमाम छात्रों ने अलीगढ़ के जिलाधिकारी जी को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने मांग की है कि जो अलीगढ़ में अवैध बूचड़खाने चलते हैं, जो तालिबानी मानसिकता के लोग हमारे त्योहारों पर जब हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं उस समय बकरे मुर्गे काटते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रहित का समर्थन करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे और बूचड़खानों को बंद कराने का कार्य करेंगे। छात्र कह रहे हैं कि नवरात्र पर्व पर जो मीट की दुकानें हैं उनको बंद कराई जाए, ये ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी को भेजना चाहते हैं, ये अविलंब बिना किसी देरी के भेज दिया जाए। अमेठी में नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सिविल रिस्क में पैदल ही सड़क पर निकले और वहां की हकीकत जानी। आपको बता दें कि पैदल चलते वक्त रास्ते में बाइक पर टिप्पणी कर रहे युवाओं को दौड़ाकर पकड़ा और उन्हें गाड़ी सहित पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद युवाओं से पूछताछ जारी है। शासन का प्रायोरिटी में होता है महिला सुरक्षा, उसी क्रम में एक मिशन शक्ति का अभियान भी लगातार चल रहा है। उसी क्रम में आज जनपद का एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ मैंने सादा कपड़े में आके स्कूलों के आसपास में चेक किए थे, उसमें कुछ लड़के कम उम्र का है, संदिग्ध लड़के मिला है, इन लोग कपड़े ये कस्टडी में लिया है, अभी पूछताछ किया जा रहा है। अगर पूछताछ के बाद अगर इन लोगों का कुछ गलती है तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो एक चेतावनी देके छोड़ जाएगी।
फरीदाबाद में एनआईटी इलाके में ओयो और स्पा सेंटर धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्पा सेंटर की आड़ में खुलेआम देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। बीते कुछ दिन पहले सेक्टर में पुलिस ने रेड मारकर एक गेस्ट हाउस से देह व्यापार के आरोप में कई लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार एसएस चौक टीम और स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कोर्ट और कचहरी परिसर में विशेष सघन चेक इन अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि चेक इन अभियान के दौरान संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की गई। रायबरेली के मुंशीगंज कस्बे में स्थित रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर औरैया से है, जहां आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले दलित छात्र की शिक्षक ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके चलते पीड़ित छात्रा की मौत हो गई। वहीं पीड़ित के परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एसपी चारू निगम ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन कर दबिश दी जा रही है। थाना छलदा पर राजू सिंह दोहरे निवासी बैसौली के द्वारा एक लिखित सूचना दी गई कि 7 सितंबर 2022 को उनके पुत्र निखित अछलदा थाने में अछलदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श इंटर कॉलेज के 10वीं के छात्र थे। उनको सामाजिक विज्ञान के टीचर अश्विनी सिंह के द्वारा कुछ एग्जाम में गलत लिखने के कारण काफ़ी मारा पीटा गया, जिससे उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई। 7 सितंबर से ही लगातार वे इसका इलाज करा रहे थे। आरोपित टीचर हैं, उनके द्वारा इसमें इलाज में सहयोग किया गया। 2 बार उनके इलाज के लिए पैसे दिए गए, इसलिए इन्होंने थाने पे तत्समय कोई सूचना नहीं दी थी। परंतु टीचर के द्वारा अब फ़ोन उठाना बंद कर दिया गया। तब 24 तारीख को थाने पर सूचना प्राप्त हुई, जिस पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। खबर कानपुर से है, जहां नवरात्रि पर्व के चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मीट की दुकानें बंद करने को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि नवरात्रि पर कुछ अराजक तत्व मीट की दुकान का संचालन कर जानवरों को काटते हैं, जिसके चलते बजरंग दल के नवरात्र के चलते मीट की दुकानें बंद कराने की मांग उठाई है। नवरात्र का जो यह पवित्र त्यौहार है, सिर्फ पवित्रता के साथ साथ यह उपासना का भी त्यौहार है, और इस उपासना के त्यौहार में कोई भी अराजक तत्व कोई ऐसी घटना ना कर सके जिससे शहर का माहौल ख़राब हो सके। इसके लिए हम सब माननीय कमिश्नर साहब से आग्रह करने आए थे कि जब तक यह त्यौहार चल रहा है, तब तक जो शहर में मांस की दुकानें चल रही हैं वो बंद कराई जा सके, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहाँ जहाँ मांस बिकता था, मांस की दुकानों से मांस लेकर दुर्गा पंडालों में फेंकने का काम किया गया है, जिससे शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश का भी माहौल ख़राब हो सकता था, ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई है। उस स्थिति से बचने के लिए और इन जिहादियों से बचने के लिए यह आग्रह माननीय कमिश्नर साहब से कराया गया है। बजरंग दल के पदाधिकारी हमारे पास अभी आए थे, उन्होंने शरदीय नवरात्रि के दौरान मांस मछली की जो खुली दुकानें हैं अथवा जो अवैध रूप से दुकानें चल रही उनको विसर्जन तक बंद रखने हेतु संबंधित विभाग को आदेशित करने के लिए एक ज्ञापन दिया है। पदाधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया है कि इस संबंध में जो प्राधिकारी है उनको भी ये अवश्य ज्ञापन दे दे, जो आदेश हो जाएगा इसमें उसके अनुसार कंप्लायंस के लिए पुलिस सजग रहेगी। सुल्तानपुर में शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई। इस दिन से 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा की जाएगी। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि के पहले दिन देवी के नाम से कलश की स्थापना की जाती है। 9 दिन तक भक्त दुर्गा जी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, जहाँ आज सैकड़ों मंदिर और पंडालों पर कलश की स्थापना की गई। नवरात्र पे धूम का सबसे बड़ा कारण है कि जो विश्व की महामारी आई थी आपकी कोविड 2 साल, उसके बाद
मौका मिला है लोगों को इस प्रकार भव्य आयोजन करने का। और इस आयोजन में को आप समझिए कि विश्व की जितनी भी बड़ी मंदिरों को आप तीर्थस्थल आप मान लीजिए, चाहे तिरुपति बालाजी मान लीजिए, अयोध्या मान लीजिए, काशी विश्वनाथ मान लीजिए, जितने भी आपके तीर्थस्थल हैं सभी के आकार के मंदिर यहाँ बनाए जा रहे हैं। और इस बार बहुत ही विशाल है, क्योंकि उसका कारण यह है कि इस बार 4-5 मूर्तियों में उनका 50वां वर्ष मनाया जा रहा है। उस 50वें वर्ष को लेकर के पूरे शहर में बहुत ही विकराल स्थिति में, बहुत ही विशाल स्थिति में पंडाल बनाए जा रहे हैं, मूर्ति बनाई जा रही है, क्योंकि कलकत्ता के बाद ये हमारा सुल्तानपुर जनपद दूसरा स्थान प्राप्त करता है दुर्गा पूजा में। फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में लड़की के साथ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींच ब्लैकमेल करने के चलते पीड़िता ने थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही थाना प्रभारी ने टीम गठित कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। मामला 19 तारीख का है, इस पर मुकदमा दर्ज है हमारे यहाँ पर। एक महिला जो कि फरीदाबाद की है और नेहरू कॉलोनी की, ये दोनों पड़ोसी थे और वो लड़की जो है वो अपने घर पे अकेली थी। इस लड़के को पता था कि वो अकेली है और ये फिर उसके घर पे गया है और उसके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन इसने बनाया है। तो लड़की ने और फिजिकल रिलेशन बनाते समय कि इसने अपने फ़ोन में फ़ोटो ली हैं और फिर उसको दिखा के लड़की को डरा धमका रहा था, तो लड़की ने आके ये मुकदमा दर्ज करवाया। खबर फरुखाबाद से, जहां शारदीय नवरात्रि के चलते शीतला माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने मंदिर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता मंदिर पर पूजा करने से सभी परेशानियों का और विकार दूर हो जाते हैं। मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मी व होमगार्ड तैनात किए गए हैं। मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, इसकी क्या मान्यता है और नवरात्रों में क्या खास रहता है यहाँ पे? ये बहुत ही ऐतिहासिक 400 वर्ष पुराना मंदिर है। पीछे की तालाब है, उसमें से माता ने प्रकट हुई थी और इसकी मान्यता ये है, जो भी यहाँ मन्नत मांगता है या जिसका भी चेचक का रोग होता है, फोड़ा फुंसी होती है और यहाँ आता है, झाड़ा लगवाता है, यहाँ से प्रसाद चढ़ाता है, उसकी मनोकामना होकर सही हो जाती है। पहली बार आए हैं, पहले से भी आते रहे? पहले से भी आते हैं। लगभग कितने दिनों से आ रहे हैं भाई साहब? पाँच छः सात साल हो गए। माँ कोई मुराद पूरी हुई है माता रानी के दरबार में? तो कोई नियम क्या है, मतलब जैसे भक्तजन जानना चाहें क्या नियम होता है, जैसे कोई मुराद अगर होती है तो कोई जैसे नियम होता है क्या होता है? अच्छा, दीपक जलाना पड़ता है। इन्हीं के 8 साल से 8 साल से आ रही हैं। क्या महिमा है यहाँ की? अच्छा, किन का मंदिर है यहाँ पे मैन? शीतला माता का। तो क्या मतलब कितने दिनों तक इनका करना पड़ता है, कोई नियम है कुछ? नियम तो बहुत होते हैं लेकिन करो तब तो। जैसे कोई खास नियम जिससे मुराद पूरी हो जाए भक्तों की? हाँ, भक्तों की मुराद पूरी होती है 8 दिन। इनके नवरात्रों में सब भक्त आते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है, आप आई? 3-4 पीढ़ी हो चुकी है। अच्छा, तो क्या मान्यता क्या है इस मंदिर की? शीतला मैया का मंदिर है। अच्छा, और यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। तो बड़ी दूर दूर से आते हैं, तो कोई मतलब जिसे कोई नियम आदि भी होता होगा भक्तों के लिए? जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो बोल जाता है, वो अपने आता है। अच्छा, तो बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां 51 शक्ति पीठ में सुबह से ही भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में पूजा करने पर देवी माँ अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करती हैं। वहीं नवरात्र के अवसर पर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नवरात्रि आरम्भ हो गई है, इस बार नवरात्रि जो है 9 दिन की है पूरा। आज माँ शैलपुत्री की आराधना हम कर रहे हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूसुमांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंधमातेति कुष्ठम कात्यायनीति चा सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा। क्रम से जो है आज से 9 दिन तक लगातार एक एक माताओं का, 9 दुर्गाओं का ध्यान करेंगे, यजन करेंगे। और इस बार संयोग ये अच्छा हुआ है कि बहुत दिनों बाद लगभग सन 2002 में सोमवार के दिन जो नवरात्रि का आरंभ होना, इसके पूर्व 2002 में हुआ था। करने आए हैं, ये अलोक शंकरी का मंदिर है और यहाँ पे माता जी की सारी मन्नतें पूरी होती है। बड़े श्रद्धालु बड़े दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए और यहाँ जो भी लोग मानता मानते हैं सारी मान्यताएं पूरी होती है।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो